गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ और वेलकम बैक करूँगी कि आप मेरी वीडियोस को देखने के लिए आ रहे हैं। तो आज मैंने एक छोटी छोटी सी शायरियाँ लिखी हैं जो कि मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो बताइएगा, आगे मैं और भी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो आज मैंने दो लिखी हैं जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। मंजिल को पाना आसान नहीं होता, मंजिल को पाना आसान नहीं होता। हाँ मैंने माना कि कुछ भी करना आसान नहीं होता, हाँ मैंने माना कुछ भी करना आसान नहीं होता। लेकिन हार मानना ये भी तो कोई हल नहीं होता, लेकिन हार मानना ये भी तो कोई हल नहीं होता। तू हार ना मन को उम्मीद से जगा, तू हार ना उम्मीद से मन को जगा। हौसले को अपने मन हौसले को अपने बुलंद बना, हौसले को अपने बुलंद बना। मुश्किल होगी ज़रूर तुझे, मुश्किल होगी ज़रूर तुझे, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। मुश्किल होगी ज़रूर तुझे, नामुमकिन तो नहीं। ये तो हम पर है, ये तो हम पर है कि हमें मुश्किल से डर जाना है या फिर आगे बढ़ के उसका सामना करना है। ये तो हम पर है, या तो मुश्किल से डर जाना है या फिर आगे बढ़ के उसका सामना करना है। इस छोटी सी पंक्ति में यही बताया गया कि हमें कैसे अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जितने भी टफ टाइम आए हमारी लाइफ में, हमें डट के खड़ा रहना चाहिए उसके साथ, डटे रहना चाहिए। जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं लाइफ में, हमें डटे रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। कभी ना कभी हमारे को सफलता ज़रूर मिलती है। एक ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हम जब हमें वो सफलता ज़रूर मिलती है। तो हमें बस उस टाइम का वेट करना होता है कि कब हमारा टाइम आएगा, और तब तक लगे रहें बिना हार माने। तो इसके अलावा एक और है छोटी सी, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। मैंने लिखने की कोशिश करी है, थोड़ा सा बताइएगा, है ना। आँखों में मेरी तस्वीर है तेरी, आँखों में मेरी, ये थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन है। आँखों में तेरी तस्वीर है मेरी, सांसों में मेरी खुशबू है तेरी, सांसों में मेरी खुशबू है तेरी। दिल पर लिखा है जो मैंने नाम तेरा, दिल पे लिखा है जो दिल पे नाम तेरा। तेरे होने से ही जिंदगी खुशी मेरी, तेरे होने से ही जिंदगी में है खुशी मेरी। तू नहीं तो बेवजह है ये ज़िंदगी, तू नहीं तो ये बेवजह है ज़िंदगी। अगर तू होता तो ये फिर भी अच्छी थी, नहीं है तो भी अच्छी है। तो ये छोटी सी पंक्तियाँ थी, दो मैंने लिखी थी, तो मुझे लगा कि शायद आपके साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। तो अगर अच्छी लगी हो आपको तो मुझे फिर बताइएगा कमेंट में, मैं आगे भी कुछ लेके आऊँगी। और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, मतलब शायरी बोलते हुए कैसी आवाज़ लगी आपको, है ना। तो प्लीज़ बताइएगा। आज के लिए ब्लॉग बहुत छोटा सा ही है, तो आज मैं सिर्फ आपको दो पंक्तियाँ ही सुना रही हूँ, और मैंने आपको आज का कोई डे रूटीन भी नहीं दिखाया है, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन हाँ, लेकिन कल मैं ज़रूर आपको एक ब्लॉग लेके आऊँगी, नया ब्लॉग लेके आऊँगी, उसमें मैं आपको और कोई नई चीज़ दिखाऊँगी। जैसे कि आज मैंने सिर्फ आपको एक शायरी सुनाई है, छोटी छोटी सी दो शायरियाँ सुनाई है मैंने आपको। तो मैं एक अलग अलग सेशंस बना रही हूँ, जैसे कि आपने मेरी देखा होगा पुरानी वीडियोस में। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देखें कि मैं क्या करती हूँ। मैं फ़ैशन पे भी बात कर रही हूँ, मैं कुकिंग के भी ऊपर भी बात कर रही हूँ, और मैं कुछ ड्राइंग्स भी करती हूँ। मतलब मेरा रहता है कि डे बाई डे कुछ न्यू कंटेंट लाएँ। ठीक है, हम मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, लेकिन हम कुछ लर्न भी करेंगे इन सब चीज़ों से। हमें लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि नई चीज़ें सीखनी भी हैं और सिखानी भी हैं। मैं भी सीखूंगी, आपको भी सिखाऊंगी। आप बने रहिए मेरे साथ इन वीडियोस में, प्लीज़ मेरे को देखिए, आइए, वीडियोस को लाइक करिए। और अभी तक तो मतलब कि माशाल्लाह भगवान का मैं शुक्रिया करूंगी कि अभी तक चैनल सही चल रहा है, आगे भी चलता रहे, आप सबका प्यार मिलता रहे। और कल के लिए मैं आपके लिए फिर एक नया ब्लॉग लेके आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, तो गुड नाइट, बाय।